तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये है मेरे पास आईटेल का A70 फोन जो कि मैंने अभी नया परचेस करा है और फोन भी काफी सस्ते में मैंने परचेस करा है। और कुछ लोगों ने भाई कमेंट करके मुझे बोला भी था कि इस वाले फोन की जो है अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर के आओ अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी। तो फाइनली आज मेरे रिसीव हो चुका है और आज हम करके देखने वाले इसकी अनबॉक्सिंग। फोन तो काफी कमाल का है, मैंने जब देखा था काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। और सबसे बढ़िया चीज मुझे इस वाले फोन में ये लगी कि इसका जो प्राइस है ना बहुत कम में देखने को मिल जाता है। तो फाइनली मैंने जो ये फोन है वो अमेजोन से परचेस करा है और इसका प्राइस की बात करूं तो 5,999 रुपए यानी 6,000 रुपए मैंने परचेस करा है। अगर आपको भी परचेस करना है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से अगर आप जो इसको खरीद सकते हो। तो चलिए आप इसके कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और यहां पर देखते हैं जो फोन का लुक है, डिजाइन है, वो आपको कैसा देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहां पर देख सकते हो, ये है आईटेल का A70 और यहां पर अगर आप देखोगे फोन में तो फोन में फीचर्स वगैरह आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर भी आप देख रहे हो। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको नई देखने को मिलने वाली है और इसके बॉक्स की पैकिंग की बात करें तो काफी जबरदस्त है। तो चलिए पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूं तो फोन कैसा होने वाला है। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया और करने के बाद अब यहाँ पर इसको हम पहले निकाल लेते हैं और ये देख सकते हो आप। तो इसको सबसे पहले मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ जो फ़ोन है वो कैसा होने वाला है। तो ये मैंने ब्लू कलर का मंगवाया था, राइजन ब्लू कलर का। तो ये देख सकते हो आप, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा तो मैंने यही परचेस कर लिया। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले फ़ोन ही आपको देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में। इसके बाद अगर मैं बॉक्स के कंटेंट्स की बात करूँ तो पैकिंग्स तो आपको कुछ इस तरीके देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ यूजर्स मैनुअल वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप जो है यूज़ या रीड भी कर सकते हो। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद अगर बात करी जाए तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले केस, और केस की क्वालिटी की बात करें तो भाई मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है भाई, काफ़ी ओसम क्वालिटी का केस आपको मिल जाता है, बिल्कुल आपको आईफोन जैसी फीलिंग्स आपको आने वाली है। तो ये कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का केस मिल जाता है जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और कैमरे का डिज़ाइन वगैरह और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जगह आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की सारी चीज़ें एडजस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लगा करके भी। इसको जैसे आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है। तो ये चार्जर आप देख रहे हो तो ये आपको कुछ इस तरह चार्जर मिलता है, नॉर्मली चार्जर आपको देखने को मिलता है, तो ज़्यादा हैवी वगैरह तो नहीं है बट जैसे ही नॉर्मल है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पर आपको सिम टूल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती है बॉक्स में, ऊपर की साइड में आपके रखी है यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह। इसके बाद यहाँ पर आपको केबल्स मिल जाते हैं जो आपको USB 2 Type-C केबल आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के केबल्स है। क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर है नॉर्मली। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। अब आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ और फोन देखोगे तो फोन का जो लुक है ना, डिज़ाइन है, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में। तो आईफोन जैसी फीलिंग लग रही है भाई, इसको मैं चलिए निकाल के दिखाता हूँ आपको पूरा। और ये मैंने इसको निकाल लिया है और बॉक्स से निकालने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आईटेल के भाई काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स आ चुके हैं मार्केट में जिनमें आपको आईफोन जैसी फीलिंग्स मिलने वाली है, वही ये है। तो यहाँ पर देख सकते हो लुक और डिज़ाइन आप देखोगे तो भाई क्या कमाल गया, और इतने सस्ते प्राइस में यार आप बिल्कुल एक आईफोन जैसी फीलिंग्स ले रहे हो यहाँ पर। तो ये मिल जाता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अवश्य हम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बैक में आपको ग्लास मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन आपको मिलता है, एक अच्छा फीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनहेंसिल्स की बात करें तो काफ़ी मस्त लगने वाला है जब आप इसको यूज़ करोगे, तो काफ़ी छोटा यार फ़ोन लग रहा है देखने में भी, काफ़ी ठीक ठाक है लेकिन स्क्रीन आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। तो अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स वगैरह, तो चलिए मैं इसको आपको निकाल करके दिखाता हूँ। और ये जो आपको 5,000 या 6,000 रुपये में आपको फ़ोन मिल रहा है, 5,999 रुपये में, इसमें आपको 4GB RAM और आपको जो है यहाँ पर फोन के अंदर मिल जाती है 128GB स्टोरेज। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और जो बैक में आप कैमरे का सेटअप देख रहे हो, इसमें आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें आपको रियर कैमरा मिलता है आपको 13 MP का। तो ये चीज़ देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया रहने वाला है लुक डिज़ाइन। आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि भाई आपको कैसा लगा आईफोन जैसी फीलिंग्स आपको देखने में लग रही है या नहीं लग रही है। वहीं पर बात करें साइड की तो वॉल्यूम डाउन और अप वाला मिल जाता है, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की अगर साइड की बात करी जाए तो आपको स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और आपको 3.5 और हेडफोन जैक देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर आपको सिम स्लॉट वगैरह मिल जाएगी, ऊपर की साइड में कोई भी सेंसर वगैरह नहीं है। लेकिन जो के साथ में केस मिला है, मैं इसको यहां पर अगर आपको लगा करके दिखाऊं, क्योंकि केस भी आपको बिल्कुल आईफोन जैसा ही लग रहा है देखने में, तो इसके साथ ही है। तो मैंने इसको केस को लगाने के बाद अगर आप फील देखोगे तो भाई क्या जबरदस्त फील आपको देखने मिलने वाली है। तो भाई कोई बोलेगा नहीं कि आपने आईटेल का भाई 6,000 रुपये का फोन ले रखा है, भाई यही सोचेंगे कि आपने भाई महंगा फोन ले रखा है। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये चीज़ तो देखने में, और कसम से भाई दिल खुश हो गया भाई आईटेल की तरफ से ये फोन देख करके। अगर आपको भाई लेना है तो भाई ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो देखो मैं आपको बताऊं एक चीज़, तो मैं कोई भी वीडियो आपको मैं बताऊं कि स्पॉन्सर वगैरह की वीडियो नहीं है कि हाँ मैं आपको सही बता रहा हूँ चीज़ें, लेकिन मैं फ़ोन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो मैंने फ़ोन परचेज़ करा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि, तो ये चीज़ें मुझे हैं अभी, और कवर लगाने के बाद आपको भाई काफ़ी अच्छी फील आपको देखने मिलने वाली है। तो कुछ सेटअप्स आ गए, मैंने इनको पहले ओपन कर लेता हूँ, पूरा सेटअप स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट कर लेता हूँ। पहले फ़ोन को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको फ्रंट में भी काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं और फ़ोन के अंदर तो और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अभी। तो इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। तो इस सेटअप में इसको कंप्लीट कर लिया,
और करने के बाद इसको स्किप कर लेते हैं अभी, तो मैं इसको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे, तो ये हमारा जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन केस मुझे भाई कसम से यार बहुत बढ़िया लगा फोन्स के साथ दे करके यहाँ पर जो है आईटेल ने, और एक अच्छी क्वालिटी का केस दिया है। तो फाइनली फ़ोन हमारा यहाँ पर जो है ऑन हो चुका है। फ़ोन आप देखोगे तो फ्रंट की अगर बात करी जाए, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो ना, ये आपको काफ़ी बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है फोन्स के हिसाब से अगर देखा जाए। तो पहले ब्राइटनेस को मैं फुल कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस पे हो रखा है इस टाइम, तो इसको आप जो है बढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ना काफ़ी लार्ज है, ये आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और साथ में आपको जो है डायनामिक बार आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप फ्रंट में ये आप यूज़ करोगे ना, तो एक डायनामिक बार है जैसे कि आप बॉक्स पे भी देख रहे हो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलता है, ये आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। नोच में है लेकिन काफ़ी अच्छा है, 6000 रुपये में चीज़ें फ़ोन के अंदर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ इस वाले फोन के अंदर। अगर गाइस इस वाले फोन में वहीं पर अगर हम बात करें सेटिंग्स की, तो मैं आपको सेटिंग्स में जाकर के भी दिखाता हूँ। सेटिंग्स में चलते हैं, माई फोन्स पे चलते हैं, और माई फोन्स पे आने के बाद यहाँ पर आप चीज़ें देखोगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी फोन्स के अंदर, जैसे कि आईटेल का A70 फोन देखने को मिल जाएगा, और इसमें एंड्रॉइड वर्जन आपको 30 मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करी जाए तो आपको इसमें UNSI-T603 का प्रोसेसर मिल जाएगा, तो प्रोसेसर भी काफ़ी सही रहने वाला है, इतना बेकार भी नहीं है प्रोसेसर। आप इसमें जो है फ्री फायर जैसी गेमिंग्स वगैरह भी आप जो है खेल सकते हो थोड़ी, जो कि काफ़ी सही रहने वाला है। इसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 4GB RAM 128GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो है 8GB एक्सटर्नल रैम आपको देखने को मिल जाती है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, ये चीज़ आप देख भी सकते हो। और साथ ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं फोन के अंदर। और वहीं पर बात करें जो इसका फ्रंट कैमरे में आपको डायनामिक बार आपको देखने को मिल रहा है, जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह आएगी या आप जो है चार्जिंग पर अपना फोन जो लगाओगे, तो यहां पर ये चीजें देख सकते हो। चार्जिंग में जैसे आप फोन लगाओगे तो ये आपका एक डायनामिक बार में जो है चेंज हो जाएगा, जो कि आपको परसेंटेज दिखाएगा बैटरी के और चार्जिंग वगैरह, या आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी चाहे वो मैसेज की हो या आपकी कॉलिंग्स की हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगी, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। देखो यहाँ पर जब भी आप जो है चार्जिंग वगैरह पर लगाते हो तो कुछ इस तरह की जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी डायनामिक बार के अंदर, तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव अपनी तरफ करता है फोन, जो कि आपको इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फीचर के साथ आते हैं। वहीं पर इससे बढ़िया चीज़ मुझे देखने में लगी कि इसका जो लुक है ना, डिज़ाइन है भाई, ये मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कई बार देखा डिज़ाइन वाकई में, और आप खुद कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन आपको जो है कैसा लगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें जो कैमरा मिल रहा है आपको बैक में और फ्रंट में, वो किस तरह का मिल रहा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर आप देखोगे तो पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। ऑप्शंस मिलता है सबसे पहले आप देखोगे तो आपको वीडियो का ऑप्शंस मिलता है, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शंस मिलता है आपको वीडियो का, और वीडियो के फ्रेम रेट की अगर बात की जाए तो आप ऊपर स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर आपको 1080p में 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ ही आपको 720p में भी 30 FPS का, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, और दोनों के दोनों काफ़ी सही रहने वाले हैं। साथ ही आपको जो है यहाँ पर फोटो का ऑप्शन मिलता है, फोटो भी आप जो है क्लिक कर सकते हो। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक कर पाओगे। लो लाइट का ऑप्शन मिलता है, प्रो का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है मोर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ सैंपल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको 2-4 फोटोज जो है मैं खींच करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फोटोज वगैरह वो आप इस वाले फोन से निकाल सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ फोटो क्लिक करे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर गैलरी को मैं ओपन करता हूँ पहले, और मैंने कुछ फोटो क्लिक करे हैं जो फ्रंट कैमरे से भी लिए हैं और बैक कैमरे से भी, और फोटो की डिटेल्स मुझे काफ़ी सही लगी, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी भाई उससे भी काफ़ी मुझे बढ़िया देखने में लगी यहाँ पर। तो ये फ्रंट कैमरे का फोटो है, और जो कि मैंने बिना पोर्ट्रेट मोड क्लिक करा था, और यहाँ पर फोटो की डिटेल्स वगैरह कलर्स वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। 6000 रुपये में भी कैमरा जो है काफ़ी सही देखने को मिल रहा है आपको। इतना अच्छा तो मैं खैर नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई आपको ज़्यादा बढ़िया हाई लेवल का मिल रहा है, बट नॉर्मली जो कैमरा आप यूज़ करते हो उस हिसाब से काफ़ी सही रहने वाला है। पोर्ट्रेट मोड आप यूज़ करते हो तो पोर्ट्रेट में आपको थोड़ी सी और फोटोज जो है वो देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से फोटोज वगैरह आप देख सकते हो। ये फ्रंट कैमरे से थी और ये पोर्ट्रेट मोड में थी। इसके बाद बैक कैमरा मैंने यूज़ करा तो बैक कैमरे में डिटेल्स वगैरह आपको थोड़ी सी ऐसी देखने को मिल जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, बट आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ करते हो तो पोर्ट्रेट मोड में आपको थोड़ी जो फोटोज है वो काफ़ी बेटर आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ फोटोज है ये बैक कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में, और यहाँ पर जो फोटो की डिटेल्स वगैरह कलर्स वगैरह वो काफ़ी मुझे सही देखने में लगे। इसके बाद कलर्स वगैरह की अगर फोटो की बात करी जाए तो काफ़ी जो नेचुरल कलर्स हैं वो आप जो है निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें देख सकते हो आप। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए आपको 6000 रुपये में फ़ोन परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल एकदम से फ़ोन परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के अंदर आपको 4GB RAM 128GB स्टोरेज मिल रही है 6000 रुपये में। साथ ही फ़ोन का जो लुक है ना, डिज़ाइन है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप इस वाले फ़ोन को लेने के बाद जब आप इसके फ़ोन के ऊपर कवर लगाओगे और आप निकलोगे तो भाई कोई भी नहीं बोल पाएगा कि आपके पास 6000 रुपये का फ़ोन है, और बहुत ही महंगे फ़ोन की फील आपको देखने को मिलने वाली है। लुक डिज़ाइन
डिजाइन, काफी कमाल का एक प्रीमियम डिजाइन के साथ फोन आपको देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और डिस्प्ले में अगर आप कोई भी कंटेंट्स वगैरह चलाओगे तो काफी बढ़िया निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इसमें 6.6 इंच की आपको HD+ डिस्प्ले मिल रही है। काफी बढ़िया है और काफी बड़ी डिस्प्ले भी है। कैमरा क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक रहने वाली है और प्रोसेसर आपको भी काफी सही मिल रहा है। और फिर आपको क्या चाहिए, और आपको 5000 की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको एक नया जो फीचर्स है वो है इस वाले फोन का, एक डायनामिक बार आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके पास कॉल नोटिफिकेशन वगैरह आती है, चार्जिंग पर फोन लाओगे तो वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव अपनी तरफ करने वाला है। बाकी ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।